मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मंथन क्लासेस बाय शिव कुमार। चलिए आज हम लोग 10 क्लास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है प्रोबेबिलिटी का हम लोग चैप्टर आज क्लियर करेंगे, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको तुरंत आपके बोर्ड पर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों का क्वेश्चन आ गया होगा बोर्ड पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में लिखा गया है, ठीक है, यदि ई कोई घटना हो, ठीक है, यानी कि ई क्या है आपका, कोई एक घटना है, तब पीई प्लस पीई, उसके ऊपर देखिए बार का चिन्ह दिया गया है, यानी कि नहीं होने की घटना, एक है कि होने की घटना और एक है न होने की घटना। तो ये बताइए ऑप्शन में ए नंबर में जैसे आपको दिया गया है 2, बी नंबर में 1, सी नंबर में -1 और डी में नॉन ऑफ डी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर यही बोला गया है आपको कि होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता, ठीक है, होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता क्या होता है, तो दोनों को जोड़ा गया है, होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता, तो ये हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हमको पता है कि होने की प्रायिकता हमेशा क्या होता है 1 होता है और नहीं होने की प्रायिकता 0, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 1, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके बोर्ड पर आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी साथ में आया होगा, ठीक है, वैसे भी हम ऑप्शन लिख देते हैं, बी बराबर है 0.1 और सी बराबर है -7 और डी बराबर है 0.2। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा प्रायिकता का मान कभी भी, ठीक है, 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, 0 नहीं होने की प्रायिकता, 1 होने की प्रायिकता, इसके बीच में होता है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए इसके बीच में कौन सा मान होगा, वही होगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला है कि प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है, तो इसके बीच के मान को छोड़ के ले लेंगे, तो इसमें देख सकते हैं 1 ही हो सकता है, 0.2 इनके बीच में आएगा, ठीक है, और 0.1 ये भी इनके बीच में ही होगा, यानी कि यहां पर हम लोग को ये ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है, यानी कि -7 ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और इसके बीच में हो सकता है, इसका मतलब कि ये आपका इनके बीच में आएगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा, तो नहीं होने की प्रायिकता -7। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन आप पढ़िए बोर्ड पे, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, देखिए निश्चित घटना की पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी निश्चित घटना यानी कि घटना होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, ऑप्शन ए होगा, यानी एक होता है, क्योंकि ना होने की घटना 0 और होने की घटना 1, तो ये निश्चित है ना, निश्चित होने की घटना 1, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर है, देखिए इसमें दिया गया है निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख सकते हैं, आपको ऑप्शन में दिया गया है -5, उसके बाद 0, 1 और एक है आपका 1:4, तो चलिए हम ऑप्शन को लिख देते हैं, 0 है, सी नंबर है 1 और डी नंबर है 1:4, ठीक है। तो देखिए यदि आप लोग साथ साथ में क्वेश्चन बनाएंगे तो ठीक होगा, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए अपना देखते रहेंगे, ठीक है, आप लोग बनाते रहिए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चौथा में आप लोग का फिर से यहां पर देख रहे हैं कि माइनस में आ गया, कभी भी नेगेटिव में प्रायिकता का मान नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो यहां पर क्या होगा हम लोग का, सॉरी क्वेश्चन गलती पढ़ चुके हैं, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो -5 होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर, और आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, फिर यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिएगा कि एक नंबर का ही क्वेश्चन हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव में, कि कितना प्रायिकता होता है, किसका प्रायिकता है, नहीं हो सकता है, ये सब आपको हमेशा देता है, जो भी अभी तक क्वेश्चन बताए हैं इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए नंबर में 0,
ठीक है, बी नंबर में 1 और सी नंबर में 0.2। तो अभी तक जो हम देखे हैं ये और ये तो प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर दिया गया है -1, जो कि -1 हम लोग नहीं ले सकते प्रायिकता का मान, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है कि -1 जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन बार बार दोहराता है, ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं 2/3 और बी है आपका -15। देखिए ध्यान से देखिए, आप वहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि वहां पर क्वेश्चन कभी भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसके आगे नहीं जाना है। जैसे आपको दिखाई दिया -15, यहाँ पर हम इसको आंसर टिक आउट करेंगे, यानी ये प्रायिकता नहीं हो सकता, माइनस में हो ही नहीं सकता। ये 2/3 आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हो रहा है, तो इसको डिवाइड कीजिए 2/3 से, तो 0.0 कुछ आएगा, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर, 10 नंबर तक देखेंगे इसमें, ठीक है। इस स्लाइड में हम लोग 7 यानी कि 10 तक देखेंगे। देखिए एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। अच्छा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आप लोग देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया है, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता, ठीक है। यानी कि वो पासा फेंका जा रहा, पासा आप जानते हैं लूडो छक्का का जो आपका होता है, ऐसे क्यूब जैसा होता है ना, उसी को बोला जाता है, ठीक है, यही है आपका। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 पाने की, ठीक है, कितना 3 पाने की प्रायिकता। तो देखिए जैसे ही इसको हम लोग फेंकेंगे तो कितना क्या क्या आता है, तो सबसे पहले 1 आता है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, उसके बाद ऐसे आपके करके 6 आता है, ठीक है, ऐसे ही आपका गोटी पर आता है, ठीक है। तो ये इसमें हमें बोला गया है क्या पाना है, आपको पाना है इसमें 3। तो 3 पाने की प्रायिकता किसमें है, बस एक ही में है, एक ही आएगा। तो जो आने की प्रायिकता होती है, जो होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और कुल जो अवयव होते हैं उनकी संख्या को हम नीचे लिखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1/6 ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, 7 का बी, ठीक है। और ये आपका टारगेट का है, ठीक है, ये आपका टारगेट का पूरा क्वेश्चन है। 8 नंबर आपको टारगेट दिखा देंगे हम, ठीक है, तब तक 10 तक कर देते। उसके बाद एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, यानी प्राइम नंबर पूछ रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले इसमें ज्ञात करना हमें अभाज्य संख्या। तो देखिए पासा ही फेंक दिया गया है, ठीक है, यहीं पर है पासा आपका, 8 नंबर क्वेश्चन का, 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अभाज्य संख्या को चूज करते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो आपका केवल केवल 2 फैक्टर हो, यानी खुद से कटे और 1 से कटे। तो देखिए तो यहाँ पर 1 तो है नहीं, अभाज्य संख्या 2, यस 2 है, 3 है, उसके बाद 1 आपका 5 है, तो कितना हुआ 1, 2, 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा, अब कुल कितना होता है 6, तो नीचे हम लिख देंगे अपना 6, ठीक है, 3 × 6 यानी 1/2 हमारा इसका आंसर होगा। तो 8 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको इरेज करते हुए हम लोग देखेंगे 9 क्वेश्चन, इसको नहीं इरेज करेंगे, शायद इसका काम आ जाए, पहले देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दो पासे को एक साथ फेंकने पर। अब देखिए यहां पर दो पासा फेंका जा रहा है, दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। 9 नंबर में अपना ऑप्शन और क्वेश्चन देखते रहिए, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन और उसका ऑप्शन भी है। तो यहां पर देखिए दो पासा फेंका जा रहा, कितना पासा 2, ठीक है, तो 2 में हम लोग देखेंगे, देखिए देखिए यहां पर जो दो पासे फेंकने के बाद किया जा रहा है, तो यहां पर कुल कितना होगा इसको हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस में है, ये जो क्वेश्चन है ये एक लंबा प्रोसेस में, क्योंकि दो पासा फेंकिए या दो पासे को एक साथ फेंकिए, बात क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए पासा को फेंकेंगे, तो मान लीजिए पहले क्या आएगा, 1 + 1 आ गया, ठीक है, फिर 12, 13, ये 13 नहीं है, ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे है,
उसके बाद ऐसे आ सकता है, ध्यान से देखिए। उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 26 नहीं है, ठीक है, अपने अनुसार बोल दे रहे हैं ताकि जल्दी से लिखा जाए। आप लोग ऐसे नहीं बोलिएगा, कमा लगा है इनके अंदर, 32 है। उसके बाद यहाँ पर है 34, 35, 36, ठीक है, 36 है। एक मिनट थोड़ा देखते हैं, 36 आप देखिए, तब तक 3.6, इसके आगे देख रहे हैं 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 51, 52, 53, यानी कि 5.3। उसके बाद है आपका 5.4, 5.4 है, ठीक है। उसके बाद है 5.5, फिर 5.6 है। उसके बाद है आपका 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, ठीक है। अब देखिए, दो हम लोग पासा फेंक दिए, मान लीजिए पहला पासा पर एक आया, दूसरा पासा पर एक आ गया, इसमें फिर दूसरा बार फेंका गया तो एक पे का है, एक दो आया, तो ये हमारा है, ठीक है। इसको 52 नहीं समझिएगा, ये सब अलग अलग दिया गया, ठीक है। तो ये जो भी डाटा दिया गया है, ये दो पासों को फेंकने पर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला है, 9 नंबर है क्वेश्चन, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन है कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने का, तो दोनों पासों पर समान संख्या, तो देखिए दोनों पर समान संख्या आप देख सकते हैं कि इसी क्वेश्चन में, यहां पर देखिए, इसके अलावा कोई भी आपको नहीं दिखाई देगा जिस पर दोनों पर समान आया होगा, ठीक है। तो ये समान आ गया है, तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जितना आपका है उतना ऊपर, और कुल अवयव की संख्या कितनी है, तो 6, 6, 12, 36, 24, 35, 36, ठीक है, कटा दीजिए 1/6, ये हमारा हो जाएगा। तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, ठीक है। तो ये आपका है 10, ठीक है, 10 10 करते हुए हम लोग चलेंगे। तो 10 नंबर में आपको दिया गया है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चीत पाने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो देखिए, एक सिक्का उछालिए जल्दी से, तो सिक्का को उछालिएगा तो दो चीज होता है, ठीक है, एक आपको होता है हेड, होता है आपका जिसको हम लोग चीत बोलते हैं, ठीक है, हेड टेल, ठीक है। तो हेड टेल में आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो हेड टेल में आप लोग देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है एक सिक्के को एक बार उछालने पर चीत पाने की प्रायिकता, तो एक वो सिक्के हैं तो दो बची जाएगा, एक वो चीत चाहे वो पर पॉट, ठीक है। तो चीत आने की पूछा है ना, तो चीत आने की पूछा है तो एक, और नीचे कुल अवयव संख्या कितनी है, दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, 10 का 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कीजिए। और ये हम लोग का इस स्लाइड का हो चुका है। तो आप लोग एक जब तक कि सेकेंड स्लाइड कर रहे हैं, या हो सकता है अभी कि वीडियो का ये पार्ट दूसरा में आ जाए, ठीक है, यानी कि 10 10 करते हुए आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो 10 आप क्वेश्चन इसमें देख चुके हैं, यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पुनः से हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और बात है ये कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आपके हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, गुड नाइट।